the threshold frequency. Then the maximum kinetic energy of photoelectrons is independent of the intensity of light but depends upon frequency of the incident light. और चौथा पॉइंट है फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन is an instantaneous process because the time gap between the incidence of light and emission of photoelectrons is less than 1 nanosecond. ठीक है जी. हाँ जी. अब ये जो हमने लॉज लिखे हैं उनके बेसिस पर हम फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन की या फोटोइलेक्ट्रॉन्स की एक इक्वेशन बनाते हैं जो आइंस्टाइन ने प्रपोज की थी, इसलिए इसको आइंस्टाइन इक्वेशन कहते हैं. लिख लो जी, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन. Einstein's photoelectric equation. Actually, तो ये law of conservation of energy की ही दूसरी form है. हम बोलते हैं कि जो photons हैं, वो आके strike कर रहे हैं. तो जो photon के अंदर energy है, उसका formula हमने किया h nu के बराबर है. ठीक है. इस energy का कुछ portion electron को बाहर निकालने में लग जाता है. जो हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि जिसको वर्क फंक्शन कहते हैं. ठीक है. और जैसे फॉर एग्जांपल अगर जो लाइट आके पड़ रही है उसकी एनर्जी, फोटोन की एनर्जी 10 जूल्स की है और इलेक्ट्रॉन को निकालने में 3 जूल्स की एनर्जी लगती है, तो जो बाकी के 7 जूल्स बनेंगे वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल जाएंगे. तो जो इक्वेशन बनेगी, टोटल एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है. फिर इसमें छोटी छोटी वेरिएशन हम कर सकते हैं. कि जो वर्क फंक्शन है, हमने बोला कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो चाहिए वो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. ठीक है. तो जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला एक फोटोन होगा उसकी एनर्जी है एच न्यू नॉट. न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है. तो ये किसके बराबर होगी टोटल एनर्जी? वर्क फंक्शन के बराबर. इसे यदि हम यहां डाल दें तो एच न्यू हो गया एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर. तो एक फॉर्म हमने ये लिखी थी, सेकंड फॉर्म ये आ जाएगी. ठीक है. फिर ये काइनेटिक एनर्जी है उसकी. अगर हम इसको खत्म करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, तो हम स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाते हैं. ठीक है. हम बोलते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन
पर यूनिट चार्ज। तो यहां से Q इंटू वी इक्वल टू वर्क डन आ गया। वर्क डन होता है चेंज इन एनर्जी के बराबर, तो इसे लिख सकते हैं Q इंटू वी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। ठीक है, तो जो हाफ एम वी स्क्वेयर है उसको रिप्लेस कर सकते हैं हम, h न्यू इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस इलेक्ट्रॉन का चार्ज स्मॉल e से डिनोट किया जाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल को v नॉट से डिनोट करते हैं। तो ये आ गई उसी की तीसरी फॉर्म। फिर न्यू होता है v बाय लैम्डा किसी भी वेव के लिए, तो यदि न्यू को v बाय लैम्डा लगा लें यहां पर, क्योंकि लाइट है तो c बाय लैम्डा हो जाएगा, तो ये बनेगा एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो जाएगी, प्लस ई वी नॉट, ये उसकी फोर्थ फॉर्म आ गई। तो इनमें से कोई भी हम यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। कर लो नोट। ओके जी, अब यहां पे जो हम इक्वल टू एच न्यू लगा रहे हैं ना, ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे है, जिसका कहना था कि जो लाइट है वो पैकेट्स की फॉर्म में निकलती है, राइट? तो लिख लेते हैं जी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory, light radiations are carried from the source in form of carried from source in क्या कह रहा मैं रिपीट कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइट रेडिएशंस आर कैरिड फ्रॉम द सोर्स इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स small packets of energy known as quanta, Q-U-A-N-T-A, and one such quantum is known as a photon. The characteristics of a photon are pehla hai, they behave as if they are particles when they interact with matter. Dusra hai, a fixed amount of energy and momentum are associated with each photon. They are given by
एनर्जी होती है एच इन टू न्यू और मोमेंटम होता है एच न्यू अपॉन सी वेयर सी इज स्पीड ऑफ लाइट. नेक्स्ट है वेल द इंटेंसिटी ऑफ वेल द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीज्ड इट मीन्स दैट द नंबर ऑफ फोटोन्स emitted per second increase but there is no change in frequency of the photons. Next, all the photons, travel with speed of light through free space. Next, the frequency of a photon is responsible for a definite amount of energy or a definite amount of energy or color which does not change with change in medium. Next, a change in medium causes a change in speed of light, a change in speed of photons, without any change in its frequency. Next, the rest mass of a photon is zero. हांजी के यदि रुका हुआ फोटोन है तो उसका मास जीरो रहेगा. सोच के देख इसका अर्थ ये है कि रेस्ट पे फोटोन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. जब मास ही नहीं तो एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा. हाँ जी फिर काम कर. पहले एक पॉइंट और आया वो लिख ले फिर एक्सप्लेन करता हूं. दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स. और लास्ट एक पॉइंट और है ड्यूरिंग द कोलिजन ऑफ ए फोटोन विद ए पार्टिकल the energy and momentum
of the system are conserved, but the number of photons may not be conserved. ये हैं फोटोन्स की प्रॉपर्टीज. हाँ जी.